अभी हम अजमलगढ़ आए हुए हैं। ये जगह वांसदा से करीबन 22-23 किलोमीटर ही दूर है और आप देखिए ये जगह की ब्यूटी। 1200 फीट की हाइट पे ये है और यहाँ से जो नज़ारा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये फोर्ट सही में आने जैसी जगह है, जो ऐसे देखने जाओ तो वलसाड फॉरेस्ट रेंज में ही आता है, वांसदा से नज़दीक है। और आप देखिए ये जगह, देखो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए यहाँ से आप देखिए ये जो व्यू है। मैं करीबन आधे घंटे से यहाँ पे खड़ा हूँ और ऐसा होता है कि यहाँ पे देखता ही रहूँ देखता ही रहूँ देखता ही रहूँ। आपको कब टाइम यहाँ पे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। मस्ट विजिटेड प्लेस इन गुजरात। ठंडी हवा, बढ़िया नज़ारा और यहाँ पे रास्ता भी बहुत बढ़िया है। तो जो ड्राइविंग एंथुजियास्ट है वो यहाँ पे पक्का एंजॉय करेंगे। ये ऐसी जगह है जहाँ पे आप आसानी से 1 घंटा निकाल सकते हो। सुहाना मौसम, 1200 फीट की हाइट, तो ठंडी हवा और लोकेशन एट इट्स बेस्ट। देखिए यहाँ से जो मैं आपको दिखा रहा था वो आपकी नजर जाए वहां तक, आपको ग्रीनरी ग्रीनरी एंड ग्रीनरी। इसका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस भी है। ये राम प्यारे हनुमान जी, बहुत ही बढ़िया टेंपल, जरूर आइए यहाँ पे भी। अभी यहाँ पे ही योगेश्वर महादेव का टेम्पल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए नज़ारा बहुत ही बढ़िया, एक शॉर्ट वॉक पे बनाया गया। योगेश्वर महादेव टेम्पल देखिए, योगेश्वर महादेव अभी हम दंडक वन जा रहे हैं। ये आप देखिए दंडक वन हम आ चुके हैं। ये जगह वास्ता से ओनली 7 किलोमीटर दूर पड़ती है और आप इसकी ब्यूटी देखिए, एंट्रेंस देखिए। ये जगह सही में आने जैसी है और यहाँ पे करीबन 1 घंटा आप आसानी से स्पेंड कर सकते हो। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको वीडियो में पूरी ये जगह दिखाऊंगा। वेलकम।
वांसदा के नज़दीक गुजरात में दंडक वन आश्रम। दंडक वन हम आ चुके हैं, यहाँ पे सबसे पहले हाथ पैर धोने हैं आपको और बाद में ऐसे एंट्री है। और ये वाला पार्किंग है, देखिए इसका एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार जगह। कार्यालय, चिकित्सालय, शौचालय, पुस्तकालय, सभा कक्ष, बहुत ही आह्लादक जगह ये। देखिए ये अभी स्टार्ट हुआ नहीं है शायद, ये सब नहीं हुआ है, लेकिन आज एंट्री ओके, एंट्री आगे से है। देखिए शानदार जगह, इतनी जगह पे इनके आश्रम है, आप नोट कर सकते हो। देखिए ग्रीनरी, मस्ट विजिटेड प्लेस, आप जरूर आइए यहाँ पे। यहाँ पे अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो मैं अभी आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा, आप इसके लिए खुद आइए। लेकिन बहुत ही बढ़िया जगह है और शांत इतनी जगह है, और आप ग्रीनरी देखिए, जो ग्रास है बहुत ही, यानी कि आपको एक प्रकार का एक्यूप्रेशर जैसा फीलिंग आ रहा है। और यहाँ पे देखिए द फाइव स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए एक्चुअली यहाँ पे लोग आते होंगे। मैं आपको पूरा आश्रम दिखाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। ये आप देख सकते हो आश्रम से, फर्स्ट फ्लोर से मैं वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़, यानी कि आप देखिए चारों तरफ ग्रीनरी, शांति, आह्लादक, मनमोहक, मनभावक जगह है। यहाँ पे जरूर आइए। और ये हमारे गुजरात में वांसदा से ओनली 5 किलोमीटर दूर है। जो आश्रम है उसके एंड पर आप आओगे तो ये एक अतिथि निवास में यहाँ पे ध्यान शिविर भी चलती है। यहाँ पे जो रूम है वो अलग अलग प्रकार के रूम है, मैंने एक रूम देखे वो है 6 बेड वाले रूम, जिसका चार्ज 2000 रुपीज़ ऑनली है, एयर कंडीशनिंग। और सही में जिसको अगर शांति चाहिए तो यहाँ पे आना चाहिए। आप देखिए बिल्डिंग भी बहुत अच्छा बनाया है और काफ़ी बड़ा, यानी कि मस्ट विजिटेड प्लेस। और ये भोजन सारा आप देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है। देखिए मैंने बहुत ही, ऐसा नहीं कि आश्रम है तो एकदम सोफिस्टिकेटेड, और देखिए एयर कंडीशनिंग, भोजनालय, तो वेरी वेल फैसिलिटेटेड जगह है। और यहाँ की USP है शांति, जो अभी इन दिनों सबको चाहिए। और जो सबसे महंगी चीज़ है वो ये लोग बेचते हैं, शांति शांति शांति। ये दंडक वन में कार्यालय है, स्टोर रूम है, स्टाफ रूम, प्रसादन, और देखिए ग्रीनरी देखिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको बनाया तो गया ही है बढ़िया तरीके, लेकिन मेंटेन भी उसी अच्छी तरह से इसको किया गया है। और बहुत सारे ऐसे पब्लिक वेलफेयर काम यहाँ पे होते हैं, जैसे चिकित्सालय। और इनके बहुत सारे आश्रम हैं, तो आप यहाँ पे आइए और जानकारी पाइए। यहाँ पे हमने अभी लंच किया, हमारी ट्रिप का पहला लंच इस ट्रिप का, बहुत ही बढ़िया जगह। वनिल से आप जब आहवा की साइड जाओगे तो मेन रोड पे आहवा से जाते हुए
राइट हैंड साइड पे ये रेस्टोरेंट आएगी, यहाँ पे ज़रूर खाइए। डांगी थाली जैसे बोलते हैं वो, इस प्रकार की आती है। ये देखिए, हम नारी रेस्टोरेंट में खाने आए हुए थे, वहाँ पे एक वेली है जिसपे फूल लगा है, वो पौधे का नाम है कृष्णा कमल। इसमें जो ये ऊपर आपको ये दिख रहा है ना, ये पांच पांडव बोलते हैं, ये नीचे है वो कौरव, और ये फूल का ऐसा है महत्व और हिस्ट्री क्या फिर जो भी वो बोले। तो ये जो डॉन है वो वासदा से करीबन 2 घंटे की दूरी पे है, और आप यहाँ पे जरूर आइए मॉनसून सीजन में, खास मॉनसून में खास आइए। लेकिन अगर मॉनसून नहीं है तो भी कोई बात नहीं, विंटर में भी एक बार आइए जरूर, और ट्रैकिंग कीजिए। और बीच करके एक जगह है, आगे ट्रैकिंग करके वहां तक जाइए, और दिस इज द ऑफिशियल हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द गुजरात। सो जरूर आइए, देखिए, कुछ दिन तो गुजारिए डॉन में। सो आप देखिए, अभी शाम को 4:10 हुई है, हम डॉन पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, और यहाँ पे हम करीबन 2 से 2.5 घंटा स्पेंड करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देखिए, बाइकर गैंग, यानी कि मॉनसून हो या ना हो, यहाँ पे पब्लिक लगी रहती है, आती रहती है। तो आप भी हमारा वीडियो देखते रहिए। तो हम अभी डॉन पहुंच चुके हैं, और डॉन में 2 पड़ाव है। ये जब आप जैसे ही एंटर होते हो, लेफ्ट हैंड साइड ये स्कल्पचर जो आपको सामने दिख रहा होगा, वो ट्रैकिंग करके जाना है। आप देखिए नज़ारा, इसके बाद मैं आपको हाईएस्ट पॉइंट ऑफ गुजरात बताऊंगा, लेके चलूंगा आपको, आप मेरे साथ अगर बने रहे तो वीडियो में। आप देखिए, बहुत ही बढ़िया विंड चल रही है, सुहाना मौसम, शाम के 4:20। आप देखिए, अभी हम ट्रैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं स्कल्पचर की ओर, और विंड यानी इतना जोरों से विंड है। आज दिन है 14 जनवरी, तो विंड तो चाहिए। ऊपर पॉइंट पे पहुंच के वापस आप मुझे ज्वाइन कीजिए, तब तक मैं ट्रैकिंग कर लूँ फटाफट। ये देखिए, हम जो वल्चर है वहाँ पे पहुंच चुके हैं ट्रैक करके। आप देख सकते हो जहाँ पे एंट्री पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो जगह है, वहाँ पे कैफेटेरिया भी अभी ओपन हो चुका है, वॉशरूम वगैरह सुविधा भी है, अच्छा डेवलप हो चुका है अभी पिछले 2-3 सालों में यहाँ पे। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से भीत, जो ऑफिशियली हाईएस्ट पॉइंट है गुजरात का हाइट के हिसाब से। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ये हमारी वासदा डांग सीरीज़ को। बीत बारी जा रहे हैं डॉन से, और आप नज़ारा देखिए, सूर्यास्त होने के नज़दीक है, और आप देखिए नज़ारा। करीबन हम जो डॉन का बेस है वहाँ से 45-50 मिनट चले हैं, और आप देखिए नज़ारा कि आपको विंटर में भी यहाँ पे आना चाहिए। और जस्ट मुझे एक अंकल मिले जो यहाँ पे पीनट्स की खेती करते, वटाना की खेती करते, पी की। तो उन्होंने बताया कि समर में भी यहाँ पे इतना गर्म नहीं रहता, तो समर में भी आप आइए और आप नज़ारा देखिए। अभी 6:10 हुआ है, हम गुजरात का जो हाईएस्ट पीक है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, मैं वहाँ से आपको
वीडियो दिखाऊंगा और नज़ारा भी। मौसम भी है, दस्तूर भी है और मौका भी है। तो हमारे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें प्रोत्साहन मिलेगा। ये आप देखिए, सनसेट हो रहा है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओरिजिनल सनसेट फ्रॉम डॉन। ये आप देखिए, हम गुजरात के हाईएस्ट पॉइंट पे खड़े हैं, यानी कि ऑफिशियली द पीक ऑफ गुजरात। और नज़ारा देखिए, यहाँ से पर्वत नीचे जा रहा है, ये आप देखिए। तो डॉन से करीबन हम निकले थे 6:20 को, और 5:20 को, और अभी हुए हैं 6:20। तो 1 घंटे में आप आराम से पहुंच सकते हो। ये ट्रैकिंग आप ज़रूर कीजिए, जीवन में एक बार तो ये ट्रैकिंग बनता है। तो आप देखिए, यहाँ पे पर्वत एंड हो रहा है, इसके बाद खाई है और वहाँ पे ही गुजरात की बॉर्डर भी समाप्त होती है। जो आगे आप देख रहे हो ये वाला, वो बुग्याल है। और हम जहाँ पे खड़े हैं वो भी एक बुग्याल है। मस्ट विजिट प्लेस। आप मॉनसून में यहाँ पे आओगे तो पूरा फॉग रहेगा, विंटर में आओगे तो आपको पूरा सीन देखने को मिलेगा। मैं बोलता हूँ आपको, एक बार मॉनसून में आइए और एक बार विंटर में आइए, तब जाके आपको ये जगह का जो सीज़न के हिसाब से डिफरेंस है वो पता चलेगा, और वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। ज़रूर आइए, मस्ट रिकमेंडेड प्लेस। चांद भी है और ये देखिए आभा, जो सनसेट होता है और जो एक लेयर क्रिएट होता है वो। और वो जो जगह आपको दिख रही है बुग्याल जैसा वाइट वाइट या ब्राउन, वो महाराष्ट्र है। हम खड़े हैं वो लास्ट पॉइंट ऑफ गुजरात है, हाईएस्ट एंड लास्ट पॉइंट। अभी हम खड़े हैं जो व्यू पॉइंट पे, उसे बोलते हैं भीतबारी, यानी कि जो हमारा लोकेशन है वहाँ से जो ये दिख रहा है ना आपको भीत जैसा, यानी कि दीवार जैसा, इसे बोलते हैं भीतबारी। और वो जो चीज़ है वो है महाराष्ट्र में, हम खड़े हैं गुजरात में। और आप देखिए, शाम के करीबन 6:50 है और आप ये क्षितिज देखिए, पहाड़ देखिए। तो जो महसूस मैं कर पा रहा हूँ उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। गुजरात का बुग्याल यही है, ज़रूर आइए यहाँ पे। विंटर में आओगे तो आपको ये ओपन सीन मिलेगा, मानसून में आओगे तो आपको यहाँ पे फॉग मिलेगा। दोनों चीज़ का अलग अलग इम्पोर्टेंस है।